हेलो दोस्तों, शिवम इलेक्ट्रिक में आप लोगों को फिर से स्वागत करते हैं। मैं हूं सुरजीत। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे आज मैं पहली बार वीडियो में वॉइस ओवर कर रहा हूं। आप लोग जानते हैं, काम करते टाइम बात करूंगा तो काम नहीं हो पाएगा, इसलिए वॉइस ओवर करके आप लोगों के साथ इस फैन का डेटा शेयर कर रहा हूं। ये 5 पत्ता वाला फराटा स्टैंड फैन है। ये कॉयल पहले एल्युमिनियम में था, अब ये कॉपर में कर रहा हूँ। ये फैन 24 स्लॉट का है और इसका थिकनेस है 25 mm। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कॉयल डाल दिए गए है और दूसरी कॉयल डाल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर 4 कॉयल बैठेगा। ये 4 कॉयल में इसका जो पिच होता है 1 से 4 तक एक बैठेगा और 1 से 6 तक एक बैठेगा। इसको हम कहते हैं 4-6 पिच में बैठना। और इसमें ये 4 कॉयल होता है, इसलिए इसको 4-pole कॉयल भी कहते हैं। और अब जो कॉयल बैठ रहे हैं वो है रनिंग कॉयल। तो इस रनिंग कॉयल के बारे में आप लोग कुछ बताता हूँ। ये जो रनिंग कॉयल है इसका लेंथ है 23.5 inches। तो ऐसा करके 4 कॉयल बना लिया है और इसका टान दिया है 157 और इसका वेट रखा है 64 ग्राम पार कॉयल का वेट होता है। ये 4 कॉयल है, ये 4 कॉयल 64 ग्राम करके है एक एक कॉयल। और इसका गेज है 30। और आप लोग देखते रहिए ये कैसे बैठते हैं। हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो 4 घाट में बैठता है वो 4 घाट में एक पैच बैठा है और 6 घाट में जो बैठता है वो 2 पैच बैठता है। यानी कि 6 घाट में 2 पैच और 4 घाट में 1 पैच। क्योंकि ये जो 4 घाट में 1 पैच है, इसलिए क्योंकि जब स्टार्टिंग कॉयल बैठेगा तब वही जो 1 पैच बैठा है उस घाट में भी 1 पैच बैठेगा स्टार्टिंग कॉयल का, इसलिए वहाँ पर 1 पैच है 4 घाट में और 6 घाट में 2 पैच हुआ है। आप लोग देखते जाइए कैसे बैठ रहा है। अब देखिए, ये तो बैठ गया रनिंग कॉइल, अब स्टार्टिंग कॉइल की बारी है। अब देखिए, ये जो 4 घाट में जो 1 पैच बैठा हुआ था वहाँ पर इसका फर्स्ट 1 पैच बैठ रहा है स्टार्टिंग कॉइल का। फिर जो दूसरे जो घाट है 6 घाट वो फाका हुआ है, उस फाका घाट में 2 पैच बैठेगा। ऐसे करके ये 4 कॉयल भी ऐसे ही बैठ जाएगा। अब बताता हूँ ये स्टार्टिंग वाला कॉयल का डेटा क्या है। तो स्टार्टिंग वाला कॉयल हमने जो किया है उसका साइज है 22.5 inches, उसका लेंथ है और इसका टर्न से 115 टांस है और इसका वेट है 36 ग्राम और इसका जो गेज है वो है 32। आप लोग देखते रहिए कैसे ये बैठते हैं। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद
मेरा हर वीडियो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के तौर पे पहुंच जाएगा। देखते रहिए कैसे ये बैठते हैं, हम आपको आगे भी कुछ समझाएंगे, उसके लिए थोड़ा धीरज रखिए। देखिए अब तो ये बैठ गया है, अब थोड़ा इसको हाथ से फिनिशिंग देने के बाद आपको पहले करना होता है जिधर लीड होगा उसके दूसरी तरफ पहले ऐसे मिलेक्स पेपर से सेपरेशन करके इंसुलेट करके उसको पहले सूत्र से बांधना पड़ेगा। अब देखिए कैसे करता हूँ मैं। ये सेपरेशन देने के मतलब यही है कि रनिंग और स्टार्टिंग दोनों अलग अलग है, इस दोनों में अगर टच हो गया तो ये लेयर हो जाएगा, तब फैन नहीं घूमेगा। देखते रहिए कैसे मैं बांधता हूँ इसको। अब देखिए इस तरफ हो गया, अब हमारे बारी है लीड की तरफ। सेम उसी तरह लीड के साइड पे भी हम मिलेक्स पेपर से उसको इंसुलेट करेंगे। इंसुलेट करने के बाद पहले लीड को लगाएंगे, उस लीड को लगाने के बाद फिर धागे से उसके भी बांधेंगे। आप लोग देखते रहिए और कुछ पूछना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम हर वक्त आप लोगों को सहायता करेंगे। देखिए ये कैसे इसको सेपरेट किया जा रहा है। अब बारी है लीड बांधने की। अब लोग देखिए लीड कैसे हम सेट कर रहे हैं इसमें। इसको लीड बांधने के बाद एक काम और भी है, उसको स्लिपिंग ट्यूब से वो जो जॉइंट किया है उसमें डाल देना चाहिए। उसके बाद वो जो स्लिपिंग ट्यूब है उसके नीचे हम बांधने से पहले एक थोड़ा सा सेपरेशन कागज भी दे देंगे, जिसे कहते हैं मिलेक्स पेपर, वो भी दे देंगे। देने के बाद ही वो बांधेंगे, नहीं तो कभी भी वहाँ से बास्ट होगा तो कॉइल में चोट आ जाएगा, इसलिए वो सेपरेशन पेपर दे रहा हूँ। देखिए अब, और हमारा चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी देना और
और बेल आइकन भी दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।